ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हम जानते हैं कि मुंबई में हर साल भारी बारिश होती है, लेकिन पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था ना होने के चलते जगह जगह सड़कों में गड्ढों में पानी भर जाता है और बाद में ये पानी गटर और नालों में इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ये पानी रिसता नहीं है और धरती के गर्भ तक नहीं पहुंचता है। भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए, पानी की निकासी की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए मुंबई के ट्री मैन के नाम से विख्यात सुभाजीत मुखर्जी कुछ खास कर रहे हैं। किस तरह से ये वाटर पर्कुलेशन के लिए काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक बना रहे हैं, आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। मिलिए मुंबई के सुभाजीत मुखर्जी से, जिन्होंने पीवीसी पाइप और पानी के बैरल ड्रम का उपयोग करके वर्षा जल की बर्बादी की समस्या का कम लागत में प्रभावी समाधान खोजा है। इसके जरिए आपकी छत पर गिरने वाले पानी को भूमिगत गड्ढे में प्रवाहित किया जाता है, जिससे जल निकायों जैसे तालाबों, झीलों और गहरे नलकूपों के संरक्षण और भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। उनके मुताबिक कंक्रीटीकरण मुंबई में जल भराव का प्रमुख कारण है। ये टाइलें पानी को जमीन में नहीं घुसने देती हैं, जिससे शहर में जगह जगह पानी भर जाता है। लोग एक ही चीज बोलते हैं कि हम पेड़ 100 लगा सकते हैं, लेकिन जब पानी नहीं रहेगा तो हम कैसे लगाएंगे। तो इसलिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता ही है कि हम पानी का पहले बंदोबस्त करें, तभी पेड़ लगाएं। तो जब इन सब समस्याओं को समझ के जब हम उनको एक सोल्यूशन देना शुरू किए, तो सबको बड़ा अच्छा लगा और लोग जुड़ गए। और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि हमने ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर्स नहीं है, बट हमने पिछले 7.5-8 सालों में कुछ 50,000 से ज़्यादा पेड़ हम लोगों के साथ मिलकर लगा चुके हैं। रेन वाटर परकोलेशन पिट, ये एक सरल तंत्र है जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है। ये पानी धीरे धीरे मिट्टी में समा जाता है। ये आपकी छत से वर्षा के पानी को भूजल के साथ साथ तालाबों, झीलों, बोरवेल, गहरे नलकूपों आदि के संरक्षण और पुनर्भरण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए भूमिगत गड्ढे में भेजता है। इस विधि में 10x10 फीट का गड्ढा खोदकर कंकड़ और पत्थरों से भरना होता है। चैम्बर में पानी इकट्ठा करने के लिए एक चैनल होता है जो अंततः भूजल को रिचार्ज करता है। एक अनुमान है कि 6x6 फीट का गड्ढा जमीन में 1000 लीटर पानी ले जाने में मदद करता है। एक तरीका ये है कि एक गड्ढा खोदकर बारिश के पानी को जमा करने के लिए एक जल ग्रहण क्षेत्र बनाया जाए। एक बार खोदने के बाद इस गड्ढे के वाष्पीकरण को रोकने के लिए छोटे कंकड़ या पत्थर डाल दिए जाते हैं। एक बार जब बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश का पानी चट्टानों और पत्थरों के बीच के अंतराल के माध्यम से गड्ढे में गिर जाता है। कुछ समय बाद एक बार भर जाने पर ये बारिश का पानी जमीन में रिसने लगता है और भूजल को रिचार्ज करता है। जल शक्ति अभियान से प्रेरणा लेते हुए मुखर्जी ने IIT बॉम्बे के छात्रों को सुझाव के लिए और इसे बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मिशन शुरू किया। इसके लिए उन्होंने मिशन ग्रीन की भी स्थापना की। उनके अभिनव जल संरक्षण दृष्टिकोण को देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उन्हें जल रक्षक की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। जब से जल शक्ति अभियान शुरू हुआ है, एक बहुत बहुत बड़ा कोशिश है पूरे देश भर में कि जहां हम पानी को बचाएं, क्योंकि चाहे पीने की बात हो, चाहे नहाने की बात हो, चाहे खेती में ज़रूरत पड़ता हो, हर मामले में पानी की बहुत ज़रूरत है। हमें साथ मिलकर पानी को संजोगना बहुत ज़रूरी है। ये एक इंश्योरेंस के तरह है। पानी को कैच करके हमें ज़मीन के अंदर अगर हम उसको परकुलेट करवाएंगे, सोक करवाएंगे, तो हम उसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉनसून के दौरान जल भराव को कम करने और भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए सुभाजीत मुखर्जी हाउसिंग सोसाइटियों में वर्षा जल संचयन परकुलेशन पिट्स की स्थापना के लिए 2500 बैरल दे रहे हैं। अब तक 1500 बैरल वितरित किए जा चुके हैं। अपने संगठन मिशन ग्रीन मुंबई के माध्यम से उन्होंने शहर में वर्षा जल संचयन को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाया है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वर्षा जल संचयन और रिसाव गड्ढों को अपनाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए वर्षा जल का संरक्षण करें, क्योंकि ये शहर के भीतर जल जमाव को नियंत्रित करने में मदद करेगा। मुंबई से गौरव कागड़ा के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज। किसी काम में दिलचस्पी हो उस